इंस्टाग्राम आजकल लोग यूज जिस तरह से कर रहे, एग्जाम आने के टाइम पे उसको उसी तरह से बंद भी कर रहे। मेरे जैसे लोग तो नहीं कर रहे, आपका नहीं पता। तेरे पास कोई और रास्ता है? अगर आपके भी बोर्ड एग्जाम से या फिर कोई भी एग्जाम से या कोई काम की वजह से आप इंस्टाग्राम को टेम्पररी डिसेबल करना चाहते हो या फिर परमानेंट डिसेबल, तो फिर ये वीडियो आपके काम की है। बाकी लोग यार, अगर आप इंस्टाग्राम यूज ही करना चाहते हो तो यार वीडियो की देख रहे हो, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो या फिर वो लाइक बटन को भी दबा दो, जिससे मुझे वो मोटिवेशन मिलती रहेगी। स्टार्टिंग से मैंने आके ये सब बोलना चालू कर दिया, और यार लाइक तो करो, थोड़ा बहुत चलता है यार। तो देखो, अब इंस्टाग्राम को डिसेबल करना है तो आपको कुछ ही बातों का ध्यान रखना है, कुछ मतलब बहुत कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, अगर आप इंस्टाग्राम का अकाउंट को डिसेबल कर रहे हो, डिसेबल मतलब परमानेंटली गायब, और अगर आप टेम्पररी डिसेबल कर रहे हो, जो मतलब टेम्पररी रहता है, आपको जब तक नहीं करना है लॉगिन तब तक आप नहीं कर सकते, वो अकाउंट हाइड रहेगा, लोगों से किसी को दिखेगा नहीं, कोई स्टॉक नहीं कर पाएगा, ना ही कुछ हो पाएगा। चलो छोटे स्क्रीन पे जाते हैं। तो देखो, अभी सबसे पहले आपको क्रोम, जो भी आपका ब्राउजर है, उसको ओपन करना है। यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम सर्च करना है, और ये मैं टेम्पररी डिसेबल के बारे में बता रहा हूँ, परमानेंट वाला का नहीं, टेम्पररी। यहाँ पे करने के लिए कैसे करना है, तो ये देखिए, अभी ये मेरा अकाउंट है, जो दूसरा वाला अकाउंट है, ब्रिंग योर कंटेंट। मेरे सिर्फ तीन चार अकाउंट है, लेकिन मैं एक ही अकाउंट जो मतलब आपको बता रहा हूँ जिसपे भी, तो आपको सिंपल से ये वाला जो अकाउंट है उसको सिलेक्ट कर लेना, और ये सिलेक्ट हो गया मेरा, और यहाँ पे मेरी वीडियो से आप जाके फॉलो भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। और यहाँ पे सिंपल है, देखो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे सेटिंग्स में दबाना है। मोबाइल में भी हो सकता है, लेकिन आपको ब्राउजर से करना है, आपको मोबाइल एप्लीकेशन से नहीं करना है, क्योंकि एप्लीकेशन से ये ऑप्शन आने ही नहीं वाला, तो आपको यार एक बार ब्राउजर से कर लो तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे देखो, मेरा ये अकाउंट दिख रहा है, और यहाँ पे ये सब ऑप्शन दिख रहे, नीचे जाना है। यहाँ पे आपको पहले वाले ऑप्शन पे, जहाँ पे ये प्रोफाइल है एडिट, यहाँ पे थोड़ा नीचे जाओगे तो यहाँ पे देखो नीचे आ चुका है कि टेम्पररी डिसेबल माई अकाउंट, इसको आपको दबा देना है। और ये आपको बाद में पूछेगा कि क्यों आप डिसेबल कर रहे हो, तो आप लिख सकते हो कि ब्रेक चाहिए इसलिए, या फिर कुछ रिमूव करना है, या फिर मेरा डाटा है, कुछ भी है तो समथिंग एल्स भी लिख सकते हो। और यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डाल देना है, जो आपका पासवर्ड है, और मुझे मेरा पासवर्ड ही याद नहीं है, तो ये चलिए ना, बात कर मेरे को जानता नहीं है। यहाँ पे आप ये देखोगे तो यहाँ पे क्लियर लिखा है कि आप जब भी यहाँ पे नीचे वाला बटन प्रेस करोगे पासवर्ड डालने के बाद, तो आपके फोटोज, लाइक, वीडियो जो भी थे वो सब गायब हो जाएंगे, जब तक आप मतलब अकाउंट को रीएक्टिवेट नहीं करते लॉग इन करके, तब तक आपके सब अकाउंट में से जितने भी फोटोज, वीडियोज, कमेंट्स है, सब मतलब गायब हो जाएंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपको डाटा लेना है तो एक बार ले सकते हो, या रिस्क क्यों लेना है। तो ये आप करके आप टेम्पररी डिसेबल कर सकते हो, और आप कभी भी आप लॉगिन कर सकते हो, चाहे वो 4 महीने, 5 महीने, जब आप मर्जी हो तब आप वापस लॉगिन कर सकते हो। अगर आपको परमानेंट डिसेबल करना है अकाउंट, तो फिर यहाँ पे जाके आपको ये लिखना है, इंस्टाग्राम डिलीट या फिर डिसेबल कर सकते हो, जो भी लिखना है, मतलब यार मैं एक बार लिख लेता हूँ, मैं कंफ्यूज हो जाऊँगा। आपको जाके सर्च करना है इंस्टाग्राम डिलीट अकाउंट, और यहाँ पे इंस्टाग्राम की पहली वेबसाइट आ जाएगी ऑफिशियल, जो हेल्प सेंटर के थ्रू जो इंस्टाग्राम का रहता ही आगे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको बताएगी पहले कि आपको डिसेबल परमानेंट करना है या टेम्पररी करना है, अगर तो भी आप मतलब चाहते हो कि डिलीट करना है तो सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करो, और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो, और यहाँ पे आपको आ जाएगा देखो टेम्पररी डिसेबल करने के लिए ऑप्शन, लेकिन फिर भी अगर आपको परमानेंट करना है तो आप एक बार डाउनलोड अपनी कॉपी कर लेना, जो भी है इंस्टाग्राम के अंदर फोटोज, वीडियोस, सब यहाँ पे ऑप्शन भी इन्होंने बताया, और क्लियर इंस्टाग्राम ने लिखा है कि ये सब सिलेक्ट करने से पहले ये सब जो भी टूल है वो सब डाउनलोड कर लेना एक बार। और अगर फिर भी आपको परमानेंट डिलीट करना है, आपने सोच लिए, तो ये वेबसाइट पर क्लिक करना है, जो पहले वेबसाइट यहाँ पे आएगी इनकी, और यहाँ पे बाद में आपसे मांगे जाएगा कि कौन सी आईडी है। तो देखो यहाँ पे मेरी आईडी ऑलरेडी सिलेक्टेड है, अगर मुझे ये आईडी नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके स्विच करना है सिंपल, जो मेरी दूसरी आईडी है स्विच अकाउंट करके, तो यहाँ पे मैं दूसरी आईडी सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे करनी है ये वाली, तो यहाँ पे एक बार कट कर दूँ, और वापस यहाँ पे डिलीट माई अकाउंट या डिलीट योर अकाउंट पे जाता हूँ। और यहाँ पे अभी आपको बताएगा कि आपको डिलीट क्यों करना है, तो यहाँ पे बहुत सारी एड्स आ रही है, इसलिए इनको एक बार फीडबैक मिल जाएगा कि क्यों डिलीट कर रहे हो, यार अगर यार ऑडियंस भाग रही है तो यार इनको कुछ प्रॉब्लम होगी इसलिए भाग रही है, तो वो ऐसे कर रहे हैं। तो कैन फाइंड पीपल टू फॉलो, क्रिएटेड अ सेकेंड अकाउंट, या कुछ भी आप जो करना चाहते हो, तो मुझे समथिंग एल्स करना है। यहाँ पे मेरे को बोलेगा पासवर्ड डालो, जो मुझे याद नहीं है, और यहाँ पे लिखा है कि आपका अकाउंट का डिटेल जो भी है वो 18 फरवरी को डिलीट हो जाएगा, और आज तारीख है 19, मतलब ठीक 30 डेज के बाद ये अकाउंट डिलीट हो जाएगा, और 30 डेज का टाइम इसलिए दिया है
अगर मैंने आज डिलीट करने को रख दिया और मैंने सोचा भाई मुझे कल वापस मेरा अकाउंट चाहिए, लॉगिन करना है, कुछ काम आ गया, तो मैं कल के कल लॉगिन कर सकता हूँ। और जब मैंने लॉगिन कर लिया तो ये बाद में 18 फरवरी को जो मेरा अकाउंट डिलीट होने वाला था वो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मैंने वापस लॉगिन कर लिया है। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि 30 डेज के अंदर अंदर आपको वापस लॉगिन नहीं करना है वरना अकाउंट रुक जाएगा कैंसिल होता हुआ। तो यहाँ पे देखो 18 फरवरी को मेरा अकाउंट जो है वो डिलीट हो जाएगा और डिलीट होने के बाद मैं वापस इसको लॉगिन नहीं कर पाऊंगा। ये यूज़र नेम अगर कोई और यूज़ करता है तो उसको ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे मुझे अपना पासवर्ड डालना है, जो पासवर्ड है फाद में डिलीट योर अकाउंट करना है। और यहाँ पे नीचे भी लिखा है कि आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा और तब तक छुपा भी रहेगा 18 फरवरी तक, तो डिलीट हो जाएगा ये टाइम पर। तो यार मुझे डिलीट तो फिलहाल नहीं करना है अकाउंट, आपको खाली ट्यूटोरियल बताना था कि कैसे करना है। और जितने भी काम है आपको सब मोबाइल में से कर सकते हो, पीसी में से कर सकते हो, वेब ब्राउजर से करना है, याद रखना। एप्लीकेशन से आपको ये सब ऑप्शन नहीं देखने मिलेगा, तो सब आपको ब्राउजर से ही करना पड़ेगा। पासवर्ड अगर याद है तो ठीक, वरना फॉरगेट पासवर्ड करके एक बार चेंज कर लो पासवर्ड, फिर आप यहाँ पे कर सकते हो। और मैं हमेशा फॉरगेट पासवर्ड ही करता हूँ। होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और ये हल्की सी भी हेल्पफुल है यार तो वो शेयर बटन को भी, सब्सक्राइब बटन को भी, बेल आइकन को भी, सब कुछ दबा कर पहुंचा दो आगे। और मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय।